कर्नाटक हाई कोर्ट ने शव के साथ दुष्कर्म के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि शव का यौन उत्पीड़न आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है, जबकि उसी व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक मृत शरीर के साथ यौन संबंध अर्थात नेक्रोफिलिया के लिए आईपीसी में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए केंद्र को आईपीसी में संशोधन करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने रेप और नेक्रोफिलिया में अंतर बताते हुए कहा है कि रेप जीवित व्यक्ति के साथ हो सकता है, शव के साथ नहीं, क्योंकि जीवित व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, मृतकों में नहीं। इस कारण मरे हुए व्यक्ति के साथ रेप को नेक्रोफिलिया कहते हैं। वहीं भारत से अलग अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में नेक्रोफिलिया के लिए अलग अलग कानून के तहत सजा का प्रावधान है।